नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Nokia 3.4 वर्सेस Xiaomi Redmi 10 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nokia 3.4 में 6.33 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Nokia 3.4 में 2.99 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Nokia 3.4 में 0.34 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Nokia 3.4 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Nokia 3.4 में 180 ग्राम जबकि Redmi 10 2022 में 181 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Nokia 3.4 में 19:5:9 जबकि Redmi 10 2022 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nokia 3.4 में 6.39 इंचेस जबकि Redmi 10 2022 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nokia 3.4 में 720x1560 और Redmi 10 2022 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nokia 3.4 में 81.9% जबकि Redmi 10 2022 में 83.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nokia 3.4 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 10 2022 में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Nokia 3.4 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 2022 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nokia 3.4 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10 2022 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Nokia 3.4 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi 10 2022 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nokia 3.4 में Adreno 610 जबकि Redmi 10 2022 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nokia 3.4 में Qualcomm Snapdragon 460 और Redmi 10 2022 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Nokia 3.4 में 4 GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10 2022 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Nokia 3.4 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10 2022 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Nokia 3.4 में Android V10 क्यू जबकि Redmi 10 2022 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Nokia 3.4 में 4000 mAh जबकि Redmi 10 2022 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नोकिया 3.4 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹10,950 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10 2022 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹10,999, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹12,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो नोकिया 3.4 में दो फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 2022 की तो उसमें 5 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10 2022 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोकिया 3.4 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है, दूसरा Infinix Hot 10 Play है, तीसरा Nokia G20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।